There's no way home, and I have no mercy. There's no way out. और यहाँ पे सास बहू में मैच ये क्या होता और सास बहू के बीच में घमासान के बाद अभी बहन और भाई के बीच में घमासान मैच एक मिनट बैडमिंटन प्लस लॉन टेनिस प्लस टेबल टेनिस हाँ अभी सीरियस हाँ मेरी टेक्निक कुछ भी हे काय है हे यस ये कौन से फिल्म का डांस है वो ट्रिक है वो ये इधर मारेगा या उधर मारेगा ऐसा यार ला ये तो विजुअल है तो लोग अभी लोगों का विश्वास उठ जाएगा टेबल टेनिस से बंद कर और प्लेयर्स यहाँ पे कमेंट करेंगे बंद करो ये तो यहाँ पे वुमेन पावर स्ट्रांग है सब सब ने कुछ ना कुछ जीता है मैंने कुछ भी नहीं जीता तो 50 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स 0 पॉइंट्स फाइनली खत्म कैमरा मध्ये पावन आता रानी नहीं रानी पहले मार लगते ना ए फ्यू मोमेंट्स लेटर और रानी मम्मी ने मार दिया और ड्यू निकलेगा अरे बाप रे विन द मैच सबसे ज्यादा अभी तो मम्मी के ना कितने 130 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स तुझे कितने 50 मेरे 30 तो मम्मी ने ये मैच जीत लिया है सेकंड थर्ड फोर्थ तो इसी तरह घमासान मैच युद्ध समाप्त होता है धन्यवाद ऑलराइट गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम मधुबन फार्म्स यहाँ पे सुबह सुबह उठ के जो फील आता है वो आपको कैमरा में सिर्फ दिख रहा है आपको महसूस नहीं हो रहा है महसूस करने के लिए आपको कोंकण साइड आना पड़ेगा कोंगन सेट जिसने एक्सप्लोर किया जो रहते हैं उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ ये जो दृश्य है ये जो नज़ारा है मतलब वाव तो हर तरफ नारियल के पेड़ वाव तो भैया जी हम नहा धो के एकदम रेडी है अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे टमटम से मांडवा से हम रोरो पकड़ेंगे रोरो पकड़ के मुंबई जाएंगे टैक्सी पकड़ेंगे टैक्सी पकड़ के घर जाएंगे दिस इज़ टुडेज़ प्लान मतलब टुडेज़ मतलब हाफ डे का प्लान फिर देखते हैं आगे जो भी है आपको तो दिख ही जाएगा चलो मेरी बहुत इच्छा थी कि सुबह सुबह मैं स्विमिंग पूल में आऊँगा स्विमिंग पूल में डुबकी मारूँगा मज़े लूँगा लेकिन थोड़ा कोविड की वजह से अभी फ़िलहाल के लिए बंद है नहीं तो ज़रूर आता मैं ज़िंदगी में पहली बार होटल के किचन में आया हूँ ये रहा स्टाफ तो ये फुल ऑन हाइजीन मेंटेन करते हैं उन्होंने सब पहना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम वॉशिंग एकदम क्लीनिंग साफ सफाई एकदम ज़्यादा होती है तो जब भी हम आते हैं हमारी खूब खातिरदारी होती है बहुत अच्छा लगता है सब गेस्ट जितने भी अपने सब्सक्राइबर लोग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा फीडबैक दिया है अभी मामा और भैया है नहीं यहाँ पे होते तो ज़रूर मिला था आपसे वैसे भैया से तो आप मिले हो और ये सब हमारे सब्सक्राइबर भी हैं तो सब हमारे वीडियोज भी देखते हैं क्या बात है जी चलो चलो ऑटो वाले भैया को मैंने बुला लिया है तो हम लोग अभी पैकिंग वैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं 11 बजे की रो है अभी बजे 10:05 ठीक है पहुँच जाएंगे सो अगर आपको अलीबाग आना है विजिट करना है रो की सवारी करनी है और अलीबाग में स्टे करना है तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस हाईली रिकमेंड ये रहा कॉन्टैक्ट डिटेल्स हाँ यू कैन कॉन्टैक्ट मिस्टर सुभाष इज़ द मैनेजर हियर ये सब संभालते हैं और ये अपना ही है तो हमारे मामा का ही है और हमारे भैया का ही है इसीलिए हम हर मैंने घर पे गेस्ट आए तो उनको यहाँ पे लेके आते बिकॉज यहाँ पे थोड़ा अपनापन की फीलिंग आती है सो दिस इज द प्लेस यू शुड डेफिनेटली विजिट व्हेन यू कम अलीबाग फोन आ गया चलो ऑटो आ गया ऑटो हाँ आलेगा चलो आ गए अपने निर्धारित समय के आधे घंटा पहले तो अपनी ट्रेन हमेशा लेट होती है पर इस बार अपन ने रिस्क लिया ही नहीं है ट्रेन अपने राइट टाइम पे चलो अपन आ गए चलते चलते बैंड बज गई बॉस अरे कौन यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल थी वो मिली थी हमने मिस कर दी आज ढूंढा तो मिली नहीं और अभी आ रही है पता नहीं जब चाहिए होती है तब मिलती नहीं है
कितनी बार आ रहे हैं अपन यहाँ पे रूरू में? नहीं ज़्यादा, चौथी नहीं छठवीं बार आ रहे। अरे बाप रे कैच पकड़ ली। अरे बाप कैच कैसे पकड़ता? तो बर्ड्स को लोग खाना खिला रहे थे, ये बोल रहे कि नॉट अलाउड। क्यों नॉट अलाउड? क्या होता है उससे? बिस्किट खिला के कुछ होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, आप बताओ, आपको पता रहेगा तो बताओ। पे लोग भीड़ करते हैं, हाँ वो हो सकता है, भीड़ करते लोग वो हो सकते हैं। और फैमिली यहाँ पे एंजॉय कर रही है। तो बस 15 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे मुंबई। अभी तो आदत सी होगी रूरल में आने की। दे आर मोर लाइक कीन टूवर्ड्स मास्क पहनो आके बोल रहे हैं अभी, क्योंकि अभी वापस बढ़ रहा है सब। सिमिलर लास्ट मार्च जैसे सिचुएशन लग रही है ना? हाँ ऐसा लग रहा है कि सब रिपीट हो रहा है। अभी इतना न्यूज में आ रहा है कि बढ़ रहा है। लग रहा था 2021 वैक्सीन लेके आया है एक्चुअली। पर मेन मतलब अपने एरिया में कितना बढ़ गया है। अमरावती में दिन का 1000-1500 पेशेंट आ रहे हैं, पिछले साल भी नहीं था इतना। एवरी अल्टरनेट घर में पेशेंट है। एग्जैक्टली, सो फॉर सम रीजन ठाकुरान जी को जाना पड़ेगा अमरावती। सोच रहे आज का टिकट अवेलेबल है क्योंकि शायद ट्रेनें खाली है, तो देखते हैं थोड़ा बात करके फिर अगर सब प्रॉपरली हुआ तो आज रात को सील लिफ्ट अमरावती फॉर सम डेज। अभी क्यों जा रहे हैं वो मैं बाद में कभी बताऊँगा आने वाले ब्लॉग्स में। चलो कैब बुक कर ले। आ गया? अरे बाबा वेटिंग चार्जेस लेगा क्या पता नहीं, बट एक्चुअली लॉजिकली स्पीकिंग टैक्सी परवड़ती है। हाँ। क्योंकि कार का 1000 रुपये लगता है, टैक्सी का दूर रहते हैं यस। सो टैक्सी 400-500 रुपये लेती है आने का जाने का, 1000 रुपये। यहाँ पे 250-500 रुपये हो गया, 1500 रुपये। वी आर सेविंग 500 रुपीज। तो गाइस जैसे मैंने बोला था रूरू शिप पे कि ठाकुरान जी को थोड़ा अर्जेंटली जाना पड़ रहा है फॉर सम रीज़न। अभी वो रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगा इन फ्यूचर ब्लॉग्स, लेट्स सी। तो टिकट बुक कर लिया है, नसीब से अवेलेबल था। हो गया पैकिंग? चलो सभी 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 7:30 बजे निकलेंगे अपन। ठीक है चलो। अरे बाप रे भीड़ देखो भीड़। ओ माय गॉड, अरे क्या सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है ये देखो। और अभी केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मे बी हम डरे हुए हैं बिकॉज विदर्भ में बढ़े हुए हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। क्या मालूम क्या शुरू है यार, अभी तो वापस मार्च आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वापस वही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ही है, अभी वो लोग की भी क्या गलती है ना, वो लोग मजबूरी है यार लोगों के, लोगों को पैसा कमाना है, पेट पालना है, फैमिली को संभालना है। अरे क्या फालतू है यार, जा आराम मत जा। चलो वैसे भीड़ तो गाड़ी में है तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी में भीड़ नहीं है, बट एसी है तो ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा लोग नहीं है, दैट इज़ बेटर पार्ट। मिल गई सीट, चलो बढ़िया। ट्रेन जा रही है, चलो निकलते हैं घर। तो मैं स्टेशन से नीचे उतर रहा था तो मुझे एक बुक वाला मिला, ये मैंने बुक खरीद लिया, बहुत दिनों से मुझे पढ़नी थी, अभी पता नहीं कब पढ़ना होगा। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 पढ़ी है जो मैंने बहुत मुश्किल से अभी तक पढ़ी है, लेकिन लेके रखा है, कभी टाइम मिला तो थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट ज़रूर पढ़ूंगा यार, बहुत अच्छी है सुना है मैंने। चलो There's no way home, and I have no mercy. There's no way out, so I'm going down. Still I keep on living, so you pull me closer. When I have no mercy.